वर्ल्ड टीवी सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मियां अब्दुल बासित। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, जो कि सहाफ़ियों का घर कहलाया जाता है। आज यहां पर एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। ये कैंप नेशनल प्रेस क्लब और sehat.com के इश्तराक से यहां पर एहतमाम इसका किया गया है। और आज यहां पर 21 लेबॉर्ट्रियाँ हैं जिन्होंने मुख्तलिफ जगह पर अपने कैंप्स लगाए हैं, और ये सहाफ़ी और उनकी फैमिलियों के जो है मुख्तलिफ टेस्ट करेंगी। इसके बाद यहाँ पर एक माहिर डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है, जो कि इनको दवाइयाँ और इनका जो सेहत की कैफियत है उसके मुतल्लिक इनको आगाह करेंगी। इलावा जी, मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये कैंप जो है सुबह 10 बजे शुरू है, जो कि शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस कैंप के इनेकाद का असल मकसद था कि सहाफ़ी एक ऐसा पेशा है सहाफ़त, जिस पर काम करने वाले लोग अक्सर टेंशन डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों ने उनको घेरे रखा होता है। तो आज नेशनल प्रेस क्लब ने ये कैंप का इनेकाद किया है, और इसमें मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेज़ हैं वहाँ से सहाफ़ी आए हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ टेस्ट करा रहे हैं। अभी बात करेंगे हम यहाँ के जो सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब हैं उनसे भी, सदर से भी, और इस कैंप के मुख्तलिफ डॉक्टर से कि वो यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं इस कैंप में, और किस किस्म के टेस्ट जो है वो जारी हैं। ये जो कैंप था जिसमें 22 के करीब कैंप लगे हुए हैं, ये इसलिए ज़रूरी था कि हम एक क्रॉनिक डिजीज़ से निकलें। जो कोरोना की बीमारी थी उसने हमारे काफ़ी सारे लोग, हमारे 8-9 लोग 7-8 लोग जो हैं वो फौत हुए, और सैकड़ों के हिसाब से हज़ारों बल्कि वो इसका निशाना बने। और इसके बाद ये सबको पता है कि जो COVID-19 है ये किसी न किसी तरह मुतासर करता है, कभी लीवर को करता है, कभी लंग्स को, हार्ट को और ब्रेन को। तो इसमें इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम ये पता कराएं कि ये क्रॉनिक डिज़ीज़ से हमारे कितने लोग मुतासर हुए हैं। वो जो अंदर पलती रहती है, जो आखिर में पता लगेगा जब ये पूरी इसकी रूट्स फैल चुकी होंगी। इसलिए हम ये एक बुनियादी मकसद ये है कि हम ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट करें जो इस क्रॉनिक डिज़ीज़ की वजह से मुतासर हुए और उनके को ऑर्गन उसमें मुतासर हो रहे हैं। तो इसका बुनियादी मकसद ये था। बड़ी बात यह है कि इस बार शऊर लोगों का पहले से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि लोगों ने मान लिया है कि कोरोना डिज़ीज़ ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। और क्योंकि ये कोरोना जो है वो सिर्फ़ एक बंदे को मुतासर नहीं करता, आपके बच्चों को भी करेगा और आपके कुलीग्स को भी करेगा। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आप एहतियात करें और अपने इलाज के लिए, ये टेस्ट वगैरह के लिए इसमें हिस्सा लें। और इसमें इस वक्त तक मेरा ख्याल है हमारी टोटल 2750 लोग हैं जो हमारे मेंबर हैं, लेकिन इसके लिए कोई कैद नहीं है कि कोई काउंसिल मेंबर है या कोई एसोसिएट मेंबर है या जर्नलिस्ट है या उसकी फैमिली है। सब लोग आगे टेस्ट करा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमें अपने ये इसके मकासद हासिल करने में कामयाब होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट होंगे। थैंक यू सो मच। मकसद है कि हम जर्नलिस्ट और उनकी फैमिलीज को जितना ज़्यादा हेल्थ के हवाले से फैसिलिटेट कर सकें तो करें। आज ये हेल्थ केयर जो हमने एक सेटअप का अरेंजमेंट किया है, मकसद यही था कि तमाम जो बॉडी के टेस्ट हैं वो यहाँ पर करवाए जाएं, क्योंकि जर्नलिस्ट टेस्ट नहीं करवाते सिर्फ इस वजह से कि खुदा ना खास्ता उन्हें कोई बीमारी ना हो, और अगर कोई बीमारी निकल आई तो फिर वो अपना इलाज कैसे करवा सकेंगे। तो नेशनल प्रेस क्लब ने हमेशा अपने जर्नलिस्ट और उनकी फैमिली की केयर का, हेल्थ केयर का ख्याल रखा, और मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि आप जर्नलिस्टों की हेल्थ के लिए किरदार अदा करें, हमें कोई ऐसा हेल्थ केयर कार्ड प्रोवाइड किया जाए जिससे आप माइनर से लेकर मेजर जो बीमारी है खुदा ना खास्ता अगर उसकी सर्जरी और उसको ऑपरेट करना है तो वो उस कार्ड के ज़रिए करवाया जा सके, क्योंकि जर्नलिस्टों के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपना इलाज करवा सकें। आज आपने देखा कि यहाँ पर जर्नलिस्ट और उनकी फैमिलीज आई हैं और तमाम वो टेस्ट जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वहाँ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जा रहे हैं। मकसद यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, और इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल में भी इस तरह के कैंप का इनेकाद करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ अहमद शाह मलिक एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर कैपिटल इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो कि G12 में इस टाइम वाकई है, लोकेटेड इन G12 और G12-1 के अंदर ये हॉस्पिटल है। बेसिकली इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और इसके साथ साथ 4-बेडेड जो है ये इंटरनेशनल हॉस्पिटल यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। OPD एंड IPD की फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं और 24 मेजर स्पेशलिटीज़ हैं जिनको हम लोग इस टाइम कवर कर रहे हैं। वो 24 मेजर स्पेशलिटीज़ डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं, OPDs के अंदर भी, IPDs के अंदर भी, ऑपरेशन थिएटर्स प्लस लेबर रूम और ये सारा कुछ, प्राइवेट रूम्स और ये सारी चीज़ें।
यहाँ पर जो है हम लोगों ने डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के साथ हम लोगों ने टेक ओवर किया था। यहाँ पे जो डिफरेंट मेडिकल की फैसिलिटीज़ हम लोगों ने प्रोवाइड की थी, बेसिकली हमारे साथ जो आए थे वो स्पेशलिस्ट जो क्लिनिक हैं, स्पेशलिस्ट क्लिनिक के लोग आए थे, डॉक्टर ओन न्याजी साहब और डॉक्टर सदफ यूसफ, जो कि डॉक्टर ओन न्याजी साहब जो हैं वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और वेल एजुकेटेड एंड वेल रिप्यूटेड डॉक्टर हैं इस्लामाबाद के, और इसी तरह से डॉक्टर सदफ यूसफ हैं जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, वो भी वेल रिप्यूटेड एंड वेल एजुकेटेड डॉक्टर हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्लस हेपेटोलॉजिस्ट। तो ये हमारे बिहाफ पे कैपिटल इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बिहाफ पे यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 40 पेशेंट्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे चेक किए हैं इस टाइम तक, और 40 से अबव अभी भी जिस तरह से पेशेंट्स चल रहे हैं, पेशेंट्स की सूरत हाल इसी तरह से, साथ साथ पेशेंट्स चल रहे हैं, चेकअप्स हो रहे हैं और साथ साथ पेशेंट मुस्तफीज़ हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं डाइटिशियन अमामा हूँ, कैपिटल इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पे अभी काफ़ी सारे जनरलिस्ट आए हैं, हमने उनको चेक किया है। न्यूट्रिशन की कमी है कुछ में, कुछ को हाइपरटेंशन है, कुछ में खून की कमी है, जीआईटी के फंक्शंस का इशू है, जोड़ों का मसला है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे चेक की हैं। अभी उनको सबको हमने इंटरटेन किया है, उनको सप्लीमेंट्स दिए हैं, उनको मेडिसिंस का बताया है और उनको बताया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ जो हमारे हॉस्पिटल में है उनको उसके बारे में बताया है, सब चीज़ों के बारे में अवेयर किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन एंड विल बी एंजॉयिंग योर लाइफ। साइकोलॉजिस्ट सदर तफसीर हियर फ्रॉम आबिद हॉस्पिटल। मैं आबिद हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ पिछले 3 सालों से। आज का जो हमारा कैंप था वो बेसिकली फ्री मेडिकल कैंप था, जिसमें हर किस्म के जो है ना वो कंसल्टेंट्स जो है वो मौजूद थे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में हम लोगों ने ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ करवाई और हमारा जो मीडिया था उसने बहुत 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 एक्टिवली जो है ना वो पार्टिसिपेट किया है। हमारे मीडिया पर्सनल में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो है वो अराइज़ हो रहे हैं, ऑल्दो उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंटेंशनली अनइंटेंशनली कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो लोग खुद किसी ना किसी जहनी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिसमें डिप्रेशन भी आ सकती है, स्ट्रेस भी आ सकता है, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो सकता है, सेक्शुअल अब्यूज़ हो सकता है, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो एजॉल्ट्स होते हैं, मतलब हमारे सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया जाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाइप जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो आई होप सो ये जो आज का हमारा सेशन था, हमारा आज का जितना भी फ्री मेडिकल कैंप था, ये हमारे मीडिया पर्सनल के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, हम साइकोलॉजिस्ट के लिए डिफरेंट जो है ना वो मेडिकल पर्सनल के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ बेनिफिशियल हो जाएगी, और इसके थ्रू जितनी हमारी अवेयरनेस जाएगी लोगों तक वो हमारे सारे लोगों के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, और उनको ये पता होगा कि उन्होंने किस टाइम पर किस कंसल्टेंट को जो है कंसल्ट करना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम शाहीन मेडिकल लेबोरेटरी की तरफ से हेपेटाइटिस बी सी टेस्ट फ्री कर रहे हैं, जिसमें हम तकरीबन 1 मंथ में कई जगह पे ये टेस्ट फ्री करते हैं और पेशेंट्स की मतलब वो कर लेते हैं, और हमारे साथ अल्ट्रासाउंड भी आज हम प्रेस क्लब में मेडिकल कैंप फ्री कर रहे हैं शाहीन मेडिकल लेबोरेटरी की तरफ से। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आज आपने जो है यहाँ पर इन्वाइट किया और एक हमें जो है प्लेटफॉर्म जो है आपने दिया कि हम डायबिटीज़ और इससे रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके मतलब जो है वो लोगों तक आगाही जो है पहुँचा सकें। डायबिटीज़ जो है पाकिस्तान का अब जो है बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है, पाकिस्तान अब दुनिया में चौथे नंबर पर है जिसमें डायबिटीज़ के हाईएस्ट नंबर ऑफ जो है मरीज़ जो है मौजूद हैं। तो अगर आज हमने इस चीज़ को जो है इसको आज ना एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, तो इसके ऊपर मामला बहुत आगे निकलते जाएंगे, और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो मैं अपने जो मरीज़ों तक जो है बात पहुंचाता हूं, वो ये है कि डायबिटीज़ से मत घबराएं। डायबिटीज़ जो है वो कुछ नहीं कहती अगर आप उसको जो है कंट्रोल रखेंगे, और अगर आप कंट्रोल नहीं रख पाते तो ये हर इंसान के हर अज़ा के ऊपर असर करती है, और फिर जो है वो उसके जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो डेवलप होती हैं वो। थैंक यू, जज़ाकल्ला जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली काज़मी है, मैं मैनेजर हूँ नायाब लैब्स का। नायाब लैब्स जो है बेसिकली इस्टेब्लिश हुई थी 1995 में, और उस वक्त से लेकर अब तक एक ही फ्लोर में हम लोग पैथोलॉजी के साथ साथ हम लोग रेडियोलॉजी के सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके अंदर हमारा एक्सरेज हैं, ECG हैं, कार्डियोलॉजी में ऑल्दो आ जाता है, और उसके बाद हमारा एक्सरेज है, अल्ट्रासाउंड है, ECG है, दीगर सर्विसेज जो भी डायग्नोस्टिक सर्विसेज होती हैं वो सारी हम दे रहे हैं। खसूसी तौर पर मैं पहली बात तो ये कि शुक्रिया अदा करूँगा नेशनल प्रेस क्लब का, और उसके बाद जिन्होंने ये प्रोग्राम इनेकाद किया, जो बेसिकली करता धरता है sehat.com वाले, तो उनके हम इंतहाई मशहूर हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम लोगों की खिदमत कर सकें। उसमें खसूसी तौर पर हम यहाँ पे आए, सहाफ़ी बरदरी के लिए हमने ये तमाम इंतजाम किए,
और उसमें जिस तरह से बाकी तमाम लैब्स काम कर रही थी उसमें हमने भी अपना हिस्सा डाला। हम ब्लड सीपी कर रहे थे, सीपी स्टैंड फॉर कंप्लीट पिक्चर। इसके अंदर आपकी जनरली आप कहीं भी जाएं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर सबसे पहले आपको रेकमेंड करेगा अपना सीपी कराइए। सीपी में आपके तमाम सेल्स की स्टडी आ जाएगी, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड सेल्स हैं, हीमोग्लोबिन लेवल है, खून बनाने की सलाहियत कितनी है, वो तमाम चीज़ें कलेक्टिवली हम कर लेंगे। तो ये बेसिकली आपकी बेस होती है। तकरीबन हम लोग यहाँ पे लगभग मोर देन 100 हमने लोगों को यहाँ पे ब्लड सीपी किया फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद ये है कि हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है हम इनको फ्लैट डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। अगर हमारे पास हमारी लैब में कभी भी आते हैं हम इंशाल्लाह इनको फ्लैट डिस्काउंट देंगे, बिलतरतीब 40-50% होगी। और उसके बाद ये है कि तारुफ कराते हुए मैं कहना चाहूँगा कि नायाब लैब इस टाइम वो वाहिद लैब है जो इस टाइम अक्रॉस द वर्ल्ड फ्लाइट्स जितनी भी जा रही हैं लोग ऑन बोर्ड हो रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में जाने के लिए। खास तौर पर हम लोग जितनी भी एयरलाइन है जो फेमस एयरलाइन है पॉपुलर एयरलाइन है इस वक्त उन सब की जो रिपोर्ट है वो नायाब लैब की रिपोर्ट उनकी फ्लाई करने से पहले प्री डिपार्चर टेस्टिंग होती है नायाब लैब की रिपोर्ट एक्सेप्ट की जाती है वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देखा आपने कैंप देखा होगा हमारा प्रेस क्लब की तरफ से लगाया गया जिसमें हमारे जो साफ़ी हैं उनके फैमिलीज़ हैं वो इस वक्त आई हुई हैं। ये हमारा हमेशा से ये प्रेस क्लब की रवायत रही है कि हम अपनी जो फैमिलीज़ हैं उनको इनवाइट भी करते हैं और ताकि अपने वो जहाँ पर आपने देखा होगा कि लैब्स हैं तो लैब में जो होते हैं वो आपको ज़्यादा चार्जेस होते हैं, यहाँ पर वो चार्जेस भी नहीं होते और आप अपना टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं। इसी तरह हमारे मुख्तलिफ प्रेस क्लब के इवेंट्स होते रहते हैं जिसमें हमारी फैमिलियाँ आती रहती हैं और हसब रवायत इस अभी भी आज का भी जो इवेंट है आपके सामने है जिसमें मुख्तलिफ लेबार्ट्रियाँ आई हुई हैं मुख्तलिफ टेस्ट करवा रही हैं। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में ये मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें तकरीबन 21 लेबार्ट्रियों ने अपने मुख्तलिफ जो है स्टॉल्स लगाए और मुख्तलिफ जगह पर साफियों के मुख्तलिफ टेस्ट होते रहे हैं जिसमें ब्लड टेस्ट था, सीपी था, हेपेटाइटिस बी एन सी के थे, बहुत सारी यहाँ पर लैब्स मौजूद थी, डॉक्टर्स की एक टीम मौजूद थी जो उनको मशावरत भी दे रही थी और ये डिजिटल रिपोर्ट्स उन तक व्हाट्सएप के ज़रिए पहुँचाई जाएंगी। इस तकरीब के एंड पर जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस वक्त ये एक इनाम की तकसीमात जारी है। जिन जर्नलिस्ट ने उनकी फैमिलियों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था आज वो अपने चेकअप करवाने आए थे उन्होंने अपने नाम एक पर्ची पर लिखकर बॉक्स में डाले थे और अभी कुरानदाजी के ज़रिए उनमें इनाम तकसीमात किए जा रहे हैं। इसी के साथ कैमरामैन नकाश मलिक और मियां अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। A1 TV सब पे नज़र अंदर की खबर।